नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज बात करने वाले हैं कि अंडा जो है वो आपको फिशर हैं या फिर आपको बवासीर हैं या फिस्टुला की प्रॉब्लम है, ये सभी जो प्रॉब्लम है अपने आप से रिलेट करती हैं। तो मलद्वार से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, स्पेशली अगर आपको बवासीर हो जाता है, तो उसके अंदर आपको अंडे का सेवन करना चाहिए या नहीं। देखिए, बहुत से लोग जो हैं इसको वेज समझ के खाते हैं, बहुत से लोग इसको नॉन वेज की तरह खाते हैं। तो मैं आज की वीडियो में ये बात नहीं करूँगा कि ये नॉन वेज की कैटेगरी में आता है या वेज की कैटेगरी में। मैं सिर्फ आपको ये बताऊँगा कि एक तरह का खाना है और इसको आपको खाना चाहिए या नहीं। तो वीडियो के साथ बने रहिए और चलिए दोस्तों वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। और सबसे पहले बता देता हूँ कि अंडा जो है किस प्रवृत्ति का होता है और जो है आपको खाना चाहिए या नहीं, इसमें क्या क्या न्यूट्रिशन होते हैं। देखिए दोस्तों, अगर एक स्वस्थ आदमी की मैं अगर बात करूं, तो अगर वो अंडा खाता है तो अंडे की प्रवृत्ति में अगर आपको बताऊं तो थोड़ी सी गर्म होती है, गर्म स्वभाव का होता है, इसकी जो तासीर होती है वो गर्म होती है। तो अंडा गर्म होता है, इसके साथ साथ अगर आप इसको सेवन करते हैं तो आपको प्रोटीन मिलता है, फैट मिलता है जो इसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और दोनों ही जो है आपके डाइजेशन के लिए अच्छा है। स्वस्थ आदमी अगर इसको खाता है तो उसके डाइजेशन को जो है ये इम्प्रूव करता है, साथ ही साथ इसके प्रोटीन का जो इंटेक होता है वो भी जो है उसका पूरा कर देता है। साथ ही दोस्तों ये आपके खाने को जो है फाइबर की तरह ट्रीट करता है और आपके मोशन को जो है सॉफ्ट बनाता है, जिसकी वजह से आपके कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम नहीं होती हैं और आगे चल के आपके बवासीर, फिशर, फिस्टुला जैसी प्रॉब्लम भी नहीं होती हैं। तो बात हो गई स्वस्थ आदमी की। जिनको बवासीर की प्रॉब्लम है उनको ये मना किया जाता है कि आपके गर्म चीज़ों का सेवन नहीं करें और तली भुनी जो मसालेदार चीज़ें होती हैं उनका भी सेवन नहीं करें। देखिए, अंडा जो होता है जिनको बवासीर की प्रॉब्लम है वो बिल्कुल सेवन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वांटिटी का जरूर ध्यान रखिए और उस क्वांटिटी के अंदर आप मतलब मान लीजिए 1 से 2 आप जो अंडे होते हैं दिन के अंदर खा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3, इससे ज़्यादा आप बिल्कुल नहीं खाएं। अंडा अगर आप खाएंगे तो इससे क्या है कि आपके पाचन भी ठीक रहेगा, आपके जो हैं डाइजेशन को जो है इम्प्रूव करेगा, मन को जो सॉफ्ट करेगा। तो ओवरऑल जो है आपके बवासीर के अंदर अंडा जो है अच्छा माना जाता है। दोस्तों आपको पता चल गया कि अंडा जो है आपके बवासीर के अंदर खाना आपके लिए जो है अच्छा रहता है। खाने के तरीके की अगर मैं बात करूं तो देखिए, आप जो तरीका अपना रहे हैं जैसे अंडे को जो है बहुत ज़्यादा फ्राई कर दिया, उसके अंदर जो है अंडा करी बना दी, उसकी जो है बहुत सारे मसाले उसके अंदर डाल दिए, या किसी भी तरीके से अगर आप उसको अंडे को मसालों के साथ पका के खा रहे हैं, वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है आपके बवासीर के लिए या आपके मलद्वार के रोगों के लिए। वो जो है आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि अंडा तो जो है एकदम आसानी से पचने वाली चीज़ है, लेकिन इसके साथ जो मसाले आपने डाल दिए हैं उनको पचने में टाइम लगेगा और वो फिर जो है आपके कॉन्स्टिपेशन करेंगे, उसकी वजह से उसकी जो हेल्थीनेस थी अंडे की वो ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए तला भुना और मसालेदार जो अंडा होता है वो आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर आप खाना ही चाहते हैं तो इसको उबाल के अगर आप खाते हैं तो वो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है और सबसे ज़्यादा जो है वो फ़ायदा करता है, और भी जो शरीर के रोग होते हैं वो जो है आपके ठीक होते हैं अगर आप जो है उबला हुआ अंडा खाते हैं। तो दोस्तों आपको पता चल गया, अगर आपके भी मन में डाउट है कि आप जो है अंडा बवासीर में खा सकते हैं या बवासीर के ऑपरेशन के बाद भी जो है अगर खा सकते हैं तो बिल्कुल आप खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मैंने सावधानी आपको बताई हैं, दिन में कितना खाना है आपको, किस तरीके से खाना है, कैसा नहीं खाना है, बस इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिए। बाकी फाइबर का जो है इंटेक आप ज़्यादा रखिए, आपकी प्रॉब्लम जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आशा करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।